अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैं सॉलिड स्फीयर, टॉप मास 1 kg, रेडियस 10 cm, रेडियस 10 cm रोल्स डाउन, एंड इंक्लाइनेशन प्लेन, इंक्लाइनेशन प्लेन ऑफ हाइट सेवन मीटर, द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर इन मीटर पर सेकेंड एज इट रीच ग्राउंड, ग्राउंड लेवल इज। तो सॉलिड स्फीयर ऑफ 1 kg मास, रेडियस इज 10 cm, इंक्लाइनेशन प्लेन ऑफ हाइट 7 m, तो वेलोसिटी एट द बॉटम कितनी होगी? तो ये ना ऐसा इंक्लाइनेशन प्लेन वाला प्रॉब्लम था हमारा सीबीएसई में। तो यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन हमने डिराइव किया था अंडर रूट ऑफ 2gh 1 + k² / r² वेलोसिटी एट द बॉटम। तो ये हमारा इक्वेशन था वेलोसिटी एट बॉटम ऑफ इंक्लाइनेशन प्लेन। अभी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है, ये तो मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब उसको मैंने mk² के साथ कंपेयर किया है, तो k² / r² इज 2/5। अभी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gh, k² / r² इज 2/5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10gh/7, बिकॉज 5 + 2 इज LCM, g आपका 10 है, हाइट आपका 7 है और ये 7 है, तो ये होगा 10 m/s, तो आंसर इज 10 m/s। तो ये आंसर आएगा जब ये बॉटम पे आएगा, उसकी वेलोसिटी 10 m/s। मैं अभी भी आपको एडवाइस दे रहा हूँ, जो भी हो ना, आपको एक बार फॉर्मूला का लिस्ट बना देना है बिफोर एग्जाम 11 और 12, वही फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे ना, तो भी आपका 70-80% तो कवरेज ऐसे ही होने वाला। पर आप है ना, एक बार जल्दी से जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा रिवाइज कर दो, तो आपको फॉर्मूला में ना, तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आप धीरे धीरे अपने आप अप करते देखोगे। लॉजिकली इतना टिपिकल फिजिक्स नहीं है, हाँ 2-3 ऐसा है कि वो स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए माइंड का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। तो ये आपने लिख लिया है कि किसी का बाकी है, ओके। दूसरा एक प्रॉब्लम है पर अभी है वो हमारे चलाने में एटॉम्स का है, तो एटॉम्स अभी नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे तो उसका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते, पर वो अभी है नहीं, तो जो हुआ है वो हमने सब प्रॉब्लम किए है, नेक्स्ट टाइम यही पेपर के हम MCQ भी करेंगे, तो आपको नीट और JEE दोनों में बेनिफिट होगा, तो ये आपको पता चला होगा। आपको आज अच्छा लगा कि बुरा लगा वो मालूम नहीं, पता चला आपको, मैं आपको यही पूछूंगा, पता तो चला। हाँ सर।
ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी अच्छा रहेगा। ओके, तो अभी मैं मीटिंग